वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में आज मां अन्नपूर्णा की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ मां अन्नपूर्णा की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। देव उठायनी एकादशी के मौके पर आज मूर्ति की पुनर्स्थापना की जा रही है। ये मूर्ति करीब 108 साल पहले चोरी हुई थी और पिछले 100 साल तक इसे कनाडा के एक म्यूजियम में रखा गया था। पीएम मोदी की कोशिशों के बाद इसे वापस लाया गया है। आज योगी आदित्यनाथ काशी मंदिर में जाकर ईशान कोण में मां अन्नपूर्णा की मूर्ति की पुनर्स्थापना करेंगे। इसके लिए पूरे काशी में कल से तैयारियां चल रही हैं। योगी आदित्यनाथ कल ही पहुंच चुके थे, काशी विश्वनाथ के मंदिर पहुंचे, उन्होंने पूजा पाठ की और साथ ही साथ उन्होंने मंदिर परिसर में जाके तमाम तैयारियों का जायजा भी लिया, जहां पर ईशान कोण पर मां अन्नपूर्णा की मूर्ति को स्थापित किया जाएगा। काशी विश्वनाथ धाम में मां अन्नपूर्णा की बहुत मान्यता है और ऐसा माना जाता है कि यहां पर ही भगवान शिव को मां अन्नपूर्णा ने अन्न दिया था, यानी भोजन दिया था, जिसके बाद लगातार वहां पर यानी काशी में मां अन्नपूर्णा की भी काशी विश्वनाथ के साथ पूजा होने लगी। माता अन्नपूर्णा की पुनर्स्थापना यात्रा वाराणसी पहुंची है। इसी रथ पर सवार होकर माता अन्नपूर्णा देवी की प्रतिमा को वाराणसी लाया गया है। यूपी के 18 जिलों से होते हुए ये यात्रा वाराणसी पहुंची है और आज काशी विश्वनाथ मंदिर में इस प्रतिमा को स्थापित किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस मौके पर मौजूद रहेंगे और यहाँ पर आप देखिए काफ़ी उत्साह है लोगों में। यूपी के 18 जिलों से होती हुई ये प्रतिमा जब आई, पूरे रास्ते लोगों ने जोरदार स्वागत किया, अगवानी की, हर जगह काफ़ी उत्साह था। कल शाम इस रथ यात्रा को यहाँ पर पहुँचना था लेकिन हर जगह काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी और इस वजह से काफ़ी देर से ये प्रतिमा वाराणसी पहुंच सकी है। यूपी के गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, कासगंज, एटा, मैनपुरी, कन्नौज, कानपुर, उन्नाव, लखनऊ, बाराबंकी, अयोध्या, सुल्तानपुर, ये वो इलाके हैं जहां से होकर प्रतिमा गुजरी है और आप देखिए यहां पर किस तरह से जो पुष्प वर्षा की जा रही है। करीब 107 साल पहले ये प्रतिमा वाराणसी से चोरी हो गई थी और उसके बाद कनाडा में थी, रेजिनो यूनिवर्सिटी में, और वहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयास के बाद ये प्रतिमा भारत लाई जा सकी है और उसके बाद इसे काशी विश्वनाथ मंदिर में स्थापित करने का फैसला हुआ और यूपी में अलग अलग इलाकों से होती हुई ये प्रतिमा अब वाराणसी पहुँची है। अलग अलग इलाकों में हर जगह जहाँ भी ये प्रतिमा गई लोग काफ़ी संख्या में मौजूद थे और यहाँ वाराणसी में भी जब ये प्रतिमा पहुंची है तो देखिए काफी संख्या में लोग हैं, हर जगह स्वागत हो रहा है। बीच के हिस्से में आप देखिए यहाँ पर प्रतिमा रखी हुई है और यही प्रतिमा काशी विश्वनाथ मंदिर में करीब 10 बजे स्थापित की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल ही वाराणसी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और खुद उनकी मौजूदगी में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका जाने के बाद ऐसी करीब 42 दुर्लभ धरोहर की देश वापसी हो चुकी है और करीब 157 ऐसी ही धरोहरों की वापसी अभी और होनी है, तो आने वाले दिनों में इस तरह की और तस्वीरें देखने को मिलेगी जब देश से जुड़ी जो धरोहरें हैं जो किसी वजह से बाहर चली गई थी उन सबों की वापसी होगी। और यहाँ पर जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं हर किसी में काफ़ी उत्साह और हर कोई मोबाइल में अपनी तस्वीरें लेना चाह रहा है। कैमरामैन विनोद कुमार के साथ नीतीश चंद्र, इंडिया टीवी, वाराणसी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और उनके मार्गदर्शन में बाबा विश्वनाथ धाम में मूर्ति की स्थापना का कार्यक्रम संपन्न होगा। हम सब प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं जिनके प्रयास से 108 वर्ष पहले इसे काशी से चोरी हुई एक मूर्ति कनाडा के एक विश्वविद्यालय में उनके संग्रहालय में बरामद हुई और आज
वह मूर्ति वापस भारत सरकार लाने में सफलता प्राप्त की और अब भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश शासन को उसे उपलब्ध करवाया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।